अगली खबर भी पाकिस्तान से। जी हाँ, देश में हार, पाकिस्तान में हंगामा। कैसे हुआ यही अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की जो फिर से चर्चा में, और चर्चा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपने ही घर में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गया और अब इस हार पर पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। घर के शेर घर में भी ढेर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, धूम से निकले। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। इनपे नहीं हो पाएगा भाई, इनको घर बैठाओ यार। पाकिस्तान का क्रिकेट फैन होना इतना मुश्किल है जितना नंगे पैर पहाड़। पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हालत हो गई है, बाहर तो ढेर थे ही, अब घर में भी ढेर हो गए। घर के शेर घर में भी ढेर है। बांग्लादेश ने शाहीनों को दबोच लिया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम को शर्मनाक शिकस्त का सामना रहा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके तारीखी फतह समेट ली है। बेहुदा किस्म की क्रिकेट खेलने वाले कोई क्लब लेवल के जो क्रिकेटर हैं उनका कोई मैच पड़ गया कोई अच्छी टीम के साथ। यार इस टीम ने इतनी बड़ी टीम को जो है वो हरा दिया। आपने सेलिब्रेशन का स्टाइल देखा उनका, कितना जबरदस्त स्टाइल था कि पाकिस्तान टीम की मतलब इतनी बड़ी टीम को हरा दिया। क्या नाम दे, दुनिया जानती है जी, व्हाइट वॉच कर दिया बांग्लादेश ने। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रावलपिंडी का मैदान मुद्दतों याद रहेगा, जहां टीम पाकिस्तान को हार नहीं हाहाकार हुई। अपने से छोटी टीम को नहीं हरा सकते तो आपने क्या क्रिकेट खेलनी। अमेरिका से वर्ल्ड कप में हार अभी कम पड़ गई थी कि पाकिस्तान की टीम हारने के मामले में एक कदम और आगे बढ़ गई, कुछ ऐसा कर गई कि पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस खून के आंसू रो रहे हैं। अपने ही घर में टेस्ट रैंकिंग की 9वीं टीम बांग्लादेश से एक नहीं बल्कि दो दो टेस्ट हार गई और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर डाला। घटिया टीम है, इंतहाई कह लें कि फजूल टीम, हमारे फजूल कह लें कि जो क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे, इनको आप वापस लेकर आए रावलपिंडी से, जहाँ जहाँ ये रहते हैं इनके घर में ये कि साड़ी और चूड़ियाँ भेजे, इनके घर रह के ये पहनो चूड़ियाँ पहनो, जाके कुकिंग करो, यही तुम लोगों का काम है, ये साड़ी पहन के मुंह काले करके गधे पे बिठा के लाना चाहिए। वो कहते हैं की हमारी टीम वर्ल्ड क्लास बॉलर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ये वो आपके वर्ल्ड क्लास होंगे नीचे से, बिल्कुल आपके उनके प्लेयर्स को बंगालियों ने कहा दिखाई असल में कि आप लोग की कहात ये है। तब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पाकिस्तान में क्या चीज उड़ती हुई नजर आ रही है। कौन पाकिस्तान के खिलाफ जिस टीम ने कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था उसने घर में घुसकर उसे मात दी। बांग्लादेश की टीम ने पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती है। दोनों ही टेस्ट में पाकिस्तान की टीम हर डिपार्टमेंट में फेल दिखी। इस हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। क्या पूर्व क्रिकेटर और क्या आम जनता सब टीम की आलोचना कर रही हैं? भाई तुम्हें आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है। क्या ही अब आपको कह लें, वो आए हैं अपनी प्रैक्टिसेस भी उन्होंने आपके घर में आके की हैं, उनके मुल्क के हालात भी इनको इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने प्यार प्यार से आते साथ आपको कहे भाई अमी तुम्हारे भालो माशी, प्यार प्यार से ये कह के उन्होंने आपको वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार के लिए ना जाने क्या क्या बातें हो रही थी। सेना से ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, सर्जरी करवाने की बात भी की गई थी, लेकिन क्रिकेटर्स की हालत तो देखिए कि उस टीम से हार गई जो खुद टेस्ट क्रिकेट में वजूद बनाने की लड़ाई लड़ती रही है। ये बिगाड़ने में कोई एक ही साजिश नहीं है, ठीक है, ये सब के सब एक ही चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें कप्तान बना दें, बस आप इनको कप्तान बना दें सारों को और ये बिल्कुल ओके खेलेंगे। अब हम 11 के 11 कैसे कप्तान बनाएं, हमें तो बता दें कप्तान बनाएं किसको। पाकिस्तान की ये हार सिर्फ हार नहीं, कितनी बड़ी बेइज्जती थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था और दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीता। 150 कर रहा है, 100 कर रहा है, 26 बांग्लादेश की टीम ने वो जीत के दिखाया क्योंकि पॉजिटिव माइंड था, टीम वर्क था, टीम के लिए किया, जहाँ पे ये नहीं होता था टेल के साथ मैं नेट आउट चला जाऊ, मैच 40 कर लू मेरा अगला मैच पक्का हो गया और
थैंक यू वेरी मच, आपने खिलाया और ड्रेस रूम में जाकर ऐसे बैठे हुए आराम से। इतना ही नहीं, दूसरी पारी में तो पाकिस्तान 172 पर ही ऑल आउट हो गई। इस हार के बाद बाबर आजम की भी ड्रम का ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि बाबर ने दो टेस्ट में सिर्फ 64 रन ही बनाए। ठीक है, बाबर को आप देख लें, इतना बॉब सीधा किंग बॉब क्या दुनिया ने इसको उठाया हुआ है, उसको उठाओ ना, उसको लिखाओ। ठीक है, बिल्कुल सीधी बात मैं करूंगा। देखे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तीसरे नंबर पे तू स्टैंड कर रहा है सर, वही बात करूँ टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पे तू स्टैंड कर रहा है, तू भाई अपनी जात के लिए खेल के नंबर वन नंबर टू पे दबाना, तू वहां से गिरा है नौवे नंबर पे आ गिर गया, लाना था ऐसी ऐसी रैंकिंग पे भी, ऐसी टीम पे भी, ऐसे कप्तान पे भी। पिछले 2 से 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट की हालत काफी बुरी रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान अपने घर में काफी मजबूत टीम मानी जाती थी, लेकिन साल 2022 के बाद से उसके प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2022 के बाद से पाकिस्तान टीम ने 12 सीरीज अपने घर में खेली है, जिसमें से सिर्फ 3 सीरीज ही पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही है। टीम में कलह की बातें भी सामने आती रही है, और जब जब वर्ल्ड कप की हार से अभी फैंस पूरी तरह उबरे भी नहीं थे कि बांग्लादेश से मिले इस क्लीन स्वीप ने वहां के फैंस में टीम के लिए गुस्से को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।